तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हो चुका है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशल के ब्लॉग्स में। और दोस्तों, पहाड़ों में क्रिकेट मैच स्टार्ट हो चुके हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ ऊपर पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे गाँव में भी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और आज है हमारा मैच। तो अभी फर्स्ट इनिंग का मैच चल रहा है, इसके बाद सेकेंड इनिंग में हमारा मैच होने वाला है, तो दिखाते हैं आपको। उससे पहले दोस्तों, अभी रॉबिन भाई और अभिषेक भाई ये ले जा रहे हैं सामान। तो दोस्तों, ये है चावल, इसमें तो मैं देने के लिए जा रहा हूँ दादी के लिए। पहले चावल दे के आते हैं, फिर आपको आगे का मैच दिखाते हैं। पढ़ना ठीक ठीक स्वास्थ्य पानी चौड़िया ही दोस्तों, अभी फाइनली मैं आ चुका हूँ मटियाना में और दे दिया है दादी के लिए जो मैंने सामान लिया रखा था वो दे दिया है। और अभी इस साइड आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हो रहा है सामने पे क्रिकेट टूर्नामेंट। तो अभी फिलहाल फर्स्ट इनिंग चल रही है, वहाँ पे जो बाहर की दो टीमें आ रही है वो खेल रही है। और कुछ ही देर बाद दोस्तों हमारा मैच होगा 1 या 1.5 बजे के आसपास। तो हमारा मैच देखने के लिए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, सभी लोग काफ़ी टाइम से हमारा मैच का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आज हमारा मैच है, आगे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आपको इस ब्लॉग में हम दिखाने वाले हैं पहाड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट कैसे होता है सीढ़ीदार खेतों में। तो अभी फिलहाल मैं रखा था यहाँ पे दादी के लिए सामान देने के लिए, तो अभी दादी को सामान दे दिया है और अब चलते हैं मैं और साथ में मिसाल रखा था अब्बू। तो अभी हम दोनों चलते हैं क्योंकि वहाँ पर मैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर देखते हैं किस टाइप का पिच है, किस टाइप का खेला जा रहा है। चलते हैं फिलहाल। चलते हैं आगे कमेंट्री बॉक्स में और दिखाते हैं क्या चल रहा है मैच का सीन, क्या स्कोर बन चुका है, कितने विकेट हो चुके हैं। इसके बाद दूसरा मैच भी खेला जाना है, तो अभी चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और दिखाते हैं आपको आज का स्कोर कैसे चल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे स्कोर वाले कन्हैया भाई और काफी दूर से मंगाए गए हैं हमारे कॉमेंट्री वाले विपिन भाई। नए बल्लेबाज के रूप में आए अमित, पैर को पार किया पंकज ने, एक शानदार गेंद जरूर उन्होंने अच्छी गेंद, बिल्कुल काफी नीचे रही, बल्लेबाज समझ नहीं पाए। मुकेश सामना करेंगे परवेश, मुकेश एक बार चले अंपायर को पार किया सामने, परवेश पाट की हुई गेंद और इसी के साथ आओ। तो निश्चित तौर से मुकेश कौन, पंकज किस पे भारी पड़ता है, अब तक शानदार बल्लेबाजी पंकज के द्वारा और शानदार गेंदबाजी पंकज के द्वारा। पंकज चले सामना करेंगे फिर पंकज, शानदार गेंद और थोड़ा सा मिस फील्ड कर बैठे कीपर नरेंद्र और थर्डमैन के रूप में थे सूरज और इसके साथ बाई के रूप में 5 रन। तो दोस्तों, अभी पहले जो इनिंग है उसने खेल लिया है और 120 रनों का टारगेट दे रखा है 15 ओवरों में। तो अभी दूसरी टीम खेल रही है, चलो आपको दिखाते हैं दूसरी टीम का सीन क्या क्या है, कितने ओवर में जीतते हैं। फिलहाल 1-2 ओवर तो हो चुके हैं और टारगेट है 121 रन का, क्योंकि 120 रन उन्होंने बना दिया है 15 ओवर में और अब 121 रन का टारगेट है। चलो चलते हैं आगे पे। तो अभी चल रहा है यहाँ पे ड्रिंक ट्रॉली इनिंग ब्रेक, देखिए थोड़ा तेज खेलना होगा। दोस्तों, अभी चल रहा है यहाँ पे इनिंग ब्रेक और अभी यहाँ से जीतने के लिए चाहिए है 24 गेंदों में 39 रन। तो देखते हैं मात्र अब यहाँ से जो 4 ओवर है, तो 4 ओवर का गेम शेष बच रखा है और 24 गेंदों में चाहिए 39 रन। तो देखते हैं अभी यहाँ पे ड्रिंक ट्रॉली मैदान में आ रही है, जैसे ही ड्रिंक ट्रॉली कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। और उसके कुछ ही देर बाद हमारा जो मैच है वो आज स्टार्ट होने वाला है, तो बने रहे आप वीडियो में। ऐसे कांटे भरे टक्कर का मैच समय चल रहा है, कबीर चले अंपायर को पार किया, कबीर ने अगली गेंद महावीर के लिए और निश्चित तौर से अपील जरूर की थी लेकिन वाइट। मुकाबला चल रहा है 9 गेंदों में मात्र 20 रन की जरूरत, अजय चले अंपायर को पार किया, अजय ने सुखेश सिंह मारने का भरपूर प्रयास, शानदार गेंदबाजी करनी होगी, अजय चले अच्छी गेंदबाजी कर रही है, एक और शानदार शॉट के साथ
फिर से बल्ला तो निकालने वाला ये शानदार छक्का। जीत के लिए चाहिए होंगे कढ़ाई को अजय चले अंपायर को पार किया एक बार फिर शानदार शॉट अजय सुखदेव के बल्लों से और वहाँ पे फील्डर मौजूद है अशोक। एक ओवर में मात्र 13 रन की जरूरत कोट कढ़ाई को और अंतिम ओवर लेके आएंगे पांडुकेश्वर की ओर से। आनंद आता है सभी दर्शकगण का पे कोश। 5 पे 13 बहुत जबरदस्त मैच होता वहाँ पे। 5 गेंदों में 13 रन मुकाबले को हारेगी बहुत जबरदस्त मैच। चार पे 13 शॉट है यार भाई शॉट बॉल में 7 रन बहुत जबरदस्त मैच होता हुआ यहाँ पे। फुल टॉस बना के मार दिया है काफी लंबा छक्का भाई साहब बहुत ही उमदा शॉट। दोस्तों अब यहाँ से चाहिए मात्र 2 बॉलों में 1 रन और देखिए सारे फील्डर ऊपर आ चुके हैं फील्ड में और ये काफी जबरदस्त सिंगल यहाँ पे लेते हुए और इसी के साथ ये मैच जीत चुके हैं। दोस्तों कढ़ाई के सभी प्लेयर को मेरी तरफ से जीतने पे ढेर सारी बधाई और अब इसी के साथ हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है तो अभी फील्ड में चलते हैं और आपको अपने खिलाड़ियों से। टॉस हम हार चुके हैं बट जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है यानी कि हमको टॉस जीतकर भी बैटिंग चाहिए थी और उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग ली है तो हमारी बैटिंग आ चुकी है। 15-15 ओवर का मैच होना है तो देखते हैं दोस्तों 15 ओवर में कितना रन बना पाते हैं। अभी जो स्कोर है लगभग 150 के आसपास हम रखेंगे जो अपना टारगेट है देखते हैं कितना बना पाते हैं। सामने जो अपोजिट टीम है वो भी खेलने वाली टीम है CISF की टीम है तो अभी जो हमारे ओपनर बल्लेबाज हैं उनको तैयार करते हैं। सलामी बल्लेबाज जा चुके हैं उत्तम और उमेश स्ट्राइक लेगा और उत्तम भाई नॉन स्ट्राइक पे तो दोनों जा चुके हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। ओवर की फास्ट बॉल पहली गेंद में 6 रन बहुत बढ़िया उमेश शाबाश। ये रहा अपना टग आउट तो अब उत्तम आ चुके हैं स्ट्राइक पे सामना करेंगे उत्तम पहली बार रस्सी के ऊपर बार बार सिंगल है सिंगल कर पारी का दूसरा ओवर लेकर सामना करेंगे उत्तम उनकी वजह से तंग चले चार रन बहुत बढ़िया शाबाश बल्लेबाज उत्तम को और दूसरा जीत गया उत्तम के लिए उनकी वजह शॉट है उत्तम 6 रन बहुत बढ़िया उत्तम शाबाश दूसरा जीत चले हल्के हल्के कदमों से उनकी एक गेंद उमेश के लिए खेलने का मौका वहां पर फील्डमैन की दिशा में कैच ड्रॉप इसके बाद अब किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं अनुज मिश्र और उनके साथ महेंद्र मिश्र। शॉट यार शॉट 6 रन मिल गई विकेट जी हाँ इसी की आवश्यकता थी और इसीलिए कहते हैं कि गेंद 37 रन एक विकेट के नुकसान पर मुन्ना एक बार फिर से तैयार शॉट है उमेश बहुत बढ़िया शॉट शाबाश 6 रनों के लिए स्टंडर आता हुआ छक्का स्टार्ट कर
के सामने से उनकी एक रन जीत के लिए करेंगे उमेश चले उमेश सामने आज के हमारे धुआंधार बल्लेबाज उमेश जिन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर दी है और अभी स्ट्रिंग पी करके एनर्जी ले रहे हैं स्पॉन्सर्ड बाय स्ट्रिंग। तो दोस्तों अभी बहुत बढ़िया मैच चल रहा है और वहाँ पे थोड़ा सा व्यवधान आ चुका था, जो कीपर है तो वो थोड़ा डैमेज हो चुके थे, खेत से नीचे गए तो उनका पैर मुड़ गया था, तो अभी से फिर से मैच कंटिन्यू हो चुका है। चलो राइट आर्म राइट पे कटर सामना करेंगे और देखने हैं। अब कौशल जा रहे हैं बैटिंग करने, पेन का स्थान लेने के लिए आए हैं कौशल द्वारा, काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर शानदार कैच, एक बार फिर से चोट चले और कौशल खेल दिया इस गेंद को, देखते हैं गेंद और तीन रन से नहीं रोक पाए हमारी का दो ओवर सुनील राइट आर्म ओवर विकेट और सामना करेंगे कौशल, काफी अच्छी ओवर उतना ही अच्छा सम्मान रन एक बार फिर से सुनील चले कटकी गया घुमा दिया गया बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए कौशल के बल्ले से निकलता हुआ मेला छक्का और स्कोर बढ़ता हुआ 98 रन तीन विकेट नुकसान से एक बार फिर से काफी अच्छी है और उतना ही अच्छा सम्मान चलो राइट आर्म धकेल दिया है देख रहे हैं जब तक बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए और बल्लेबाज उमेश काफी अच्छी बल्लेबाजी इसे कट कर दिया है थर्ड बॉल की दिशा में देखने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए और इस गेंद को धकेल दिया है देखने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए इसका उद्देश्य चले हल्के हल्के कटने से और इस गेंद को कट कर दिया है देखने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए सामना करेंगे उमेश उद्देश्य चले और इस गेंद को शानदार छक्का कौशल के बल्ले से निकलता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 137 रन एक बार फिर से सचिन चले किशोर और सचिन चले सामना करेंगे किशोर काफी जाते थे राइट एंड राइट विकेट सामना करेंगे कौशल और कौशल ने गेंद को धकेल दिया है ठीक कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छोड़ने के लिए 31 के लिए ऊपर बल्लेबाजी करते हुए बल्ले चले शानदार कैच राउंड को और सामने अच्छा
कौशल सामना करेंगे सचिन का और तारिका टीम ओवर सामना करेंगे बाहर अंपायर का इशारा सारा रन करेंगे सुनील का सुनील चलो सुनील चले और इस गेंद को फिर से धकेल दिया है देखने गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन के लिए शानदार छक्का एक बार फिर से सुनील चले लोगों के दिशा में उठा दिया काफी अच्छी फील्डिंग है यहाँ तो अभी जो हमारी फर्स्ट पारी थी वो समाप्त हो चुकी है और 191 रन हमने बनाए हैं और 192 रन का टारगेट है और सिरदेव भाई ने लास्ट में आके काफी ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी की मिल गई विकेट। जी हाँ, इसी की आवश्यकता थी और इसीलिए कहते हैं कि गेंदबाज को स्टंप टू स्टंप लाइन चले काफी अच्छी आउट है। तो दोस्तों इसी के साथ मैच हो चुका है कंप्लीट और जैसे कि हमको आशा थी हमारे कैप्टन को आशा थी 73 रन से पूरे मैच जीत लिया है और जिसने भी वीडियो बनाई दोस्तों आपने देखा होगा हमारी बैटिंग फील्डिंग के टाइम पे तो ये था उसने मेरी वीडियो बनाई क्या नाम है अंशु ने हमारी वीडियो बनाई। तो दोस्तों मैच हो चुका है संपन्न और आज के हमारे हीरो रहे उमेश भाई। आज के जो मैन ऑफ द मैच है पिंक पैंथर्स की ओर से उमेश विष्ट काफी अच्छे बल्लेबाजी। तो दोस्तों इस सीजन का पहला मैच और पहली जीत हो चुकी है हमारे सेलंग की जो पिंक पैंथर टीम है तो उसने आज पहला ही मैच जीत लिया है सीजन का पहला मैच था और पहले ही मैच जीत लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।